अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम करने वाले हैं स्टैट्स 301 का लेक्चर नंबर 30। लेक्चर नंबर 30 में हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका इंट्रोडक्शन, वो होती क्या है, साथ में हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ इसमें कोई कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, बाकी ये पूरा टॉपिक इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ ही डिस्कस करूँगी, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत जो ड्यूरेशन है बहुत लेंथी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस सब लेक्चर 30 के डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कवर हुई 1733 में, और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये आपने याद रखना है, ये आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि जो नॉर्मल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है। वो हमारे पास उसकी जो शेप होती है वो बेल शेप की तरह होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि देखिए ये बेल की तरह ही बना हुआ है, ठीक है। और एक तरफ आपको नज़र आ रहा होगा, एक तरफ आपके पास क्या है माइनस इन्फिनिटी है, दूसरी तरफ आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ठीक है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं क्या है। हाँ, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज सेट टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है उस वो जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन में, और उसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो ये है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसका ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इसका बताएं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन क्या है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि ये इसका है। देन हमारे पास आपको पता है कि जो है पाई होता है उसकी वैल्यू 3.1416 होती है, जो अप्रोक्सीमेटली 22/7 फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, और ई की वैल्यू ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ। अब क्या है हमारे पास, फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ म्यू एंड एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सिग्मा, ये हमारे पास सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर गिविंग डिफरेंट वैल्यूज़ टू एक्स एंड वी ऑब्टेन अ सेट ऑफ ऑर्डर, और जो ऑर्डर पेयर होगा सिंपल वो ये बताना है कि वो एक्स और यहाँ पर एफ एक्स की तरह होगा, और जो हमारे पास बेल शेप में ही बनेगा। ये आपने याद रखना है कि क्या शेप है उसकी, बेल शेप है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, उसका डेंसिटी फंक्शन जो है ये वाला है, और उसमें होता है हमारे पास म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, और इसके पास जो पैरामीटर्स होते हैं वो टू पैरामीटर्स होते हैं, वो म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन इसके पैरामीटर्स हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, पहले ये आपको प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, देन इसके बाद आपको एग्जांपल के थ्रू बताएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इस लेक्चर में। सबसे पहले सिंपल लफ्ज़ में आपको मैं बताती हूँ कि प्रॉपर्टी वन क्या है, कि प्रॉपर्टी वन कह रहे हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से हम लिखेंगे, कैपिटल एन बाय और ब्रैकेट में हमारे पास म्यू और यहाँ पर स्क्वायर है, यानी ये हमारे पास वेरियंस है। म्यू रिप्रेजेंट कर रहा है मीन को, और यहाँ पर हमारे पास ये जो खाली सिग्मा, अगर स्क्वायर भी होता तो हम तब कहते हैं कि वो जो है वेरियंस है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करिए, ये म्यू जो है सिग्मा टू है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और इसके अंदर हो जाएगी हमारे पास म्यू, ठीक, मीन, या म्यू बोल दें या मीन बोल दें। उसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पर आपने सिर्फ यही याद रखना है कि म्यू वन जो है वो छोटा है म्यू टू से, और म्यू टू जो है वो छोटा है थ्री से, जबकि इस वाले केस में हमारे पास जो हमारा सिग्मा होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। और ये डिटरमाइन कर सकते हैं हम इसको बाय यूजिंग दिस, हम मेजर करते हैं फ्लैटनेस और पिकनेस की किसी भी कर्व की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा ये है कि अगर हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इस तरह होंगी तो हमारे पास म्यू जो होगा वो कांस्टेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में सिर्फ यही है कि एक्स एक्सिस होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखें नीचे क्या है, एक एक्स एक्सिस है ये वाला पूरा, तो एक तरफ अभी ऊपर आपको क्या बताया था कि एक तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, एक तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया, ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी। देन थर्ड प्रॉपर्टी में कह रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ा चढ़ाकर लिखा हुआ है, सिंपल लफ्ज़ में अगर आपको बताऊं कि जो पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक होगा, लेट्स सपोज अगर यहाँ पर हमारे पास जो है नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव है और बीच में म्यू है, तो म्यू जो है टू पीसेस को कट कर रहा है, ठीक है। तो जो म्यू के लेफ्ट साइड पे भी जो पीस होगा और म्यू के राइट साइड पे भी जो पीस होगा वो 0.5 और 0.5 के इक्वल होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है कि जो डेंसिटी फंक्शन होता है वो मैक्सिमम रहेगा जब एक्स जो है इक्वल होगा हमारे पास मीन के, हमारे म्यू के, ठीक है। और आपको पता है कि सिमेट्रिकल कब हमारा डाटा होता है, जब मिड में अगर कोई भी आ जाए, यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी म्यू आ जाए, बेसिकली म्यू अब यहीं पर होगा, ठीक है, वो मिड में होता है, ठीक है। और आपको पता है कि म्यू जो है मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों इक्वल ही ए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है, इसका मतलब है कि जो म्यू 3 होगा वो थर्ड मोमेंट के इक्वल होगा और थर्ड मोमेंट 0 के इक्वल होगी, ठीक है।
नेक्स्ट यह है कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैथमेटिकल ये प्रूफ हो चुका है कि म्यू फोर इक्वल होगा थ्री म्यू इसके पास सिग्मा की पावर फोर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मोमेंट रेशो। अब देखिए मोमेंट रेशो भी इसमें डिस्कस होंगे, ये एग्जांपल में तो सिर्फ छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, ये आपको छोटे फॉर्मूलाज में छोटे छोटे पीसेस में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आउट ऑफ आउट टू बी टू एंड ज़ीरो एंड थ्री, अगर हमारे पास ज़ीरो थ्री म्यू पर, तो हमारे पास ये आपको पता है मोमेंट रेशियो का फॉर्मूला जो कि हम मिड टर्म के सिलेबस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब आपने सिर्फ म्यू की जगह पहले ही जीरो पुट कर देना है और नेक्स्ट टाइम में हमने बी टू में थ्री पुट कर देना है, ठीक है। और ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से घुमा फिरा कर MCQs आ सकते हैं, ये ऑलरेडी हम ऊपर वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही, आप इसको खुद रीड करें, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर फोर ये है कि नो मैटर व्हाट द वैल्यू ऑफ म्यू और सिग्मा, कोई भी मैटर नहीं करता, हम जो जो भी वैल्यू हो सिग्मा और म्यू की अंडर जो एरिया होता है नॉर्मली कर्व का वो रिमेन होता है जो है एक फिक्स पॉइंट पे ही होता है, उसकी फिक्स प्रोपोर्शन होती है, ठीक है। अब सिंपल लफ्ज़ों में ये कहा जाए तो उसकी जो फिर फिक्स प्रोपोर्शन होती है यानी फिक्स वैल्यू होती है या फिक्स परसेंटेज होती है, अगर इंटरवल हमारे पास दिया होगा, ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से इम्पोर्टेंट है कि म्यू प्लस माइनस सिग्मा अगर हाली होगा तो जो परसेंटेज होगी वो 68.26 होगी। इसी के साथ अगर सिग्मा हमारे पास 2 सिग्मा हो जाता है तो 94.44 होगी, अगर वो 3 हो जाता है तो वो 99.73 होगी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव के हवाले से जो है प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास इन सब को कंबाइन करके लिख दिया गया है। प्रॉपर्टी नंबर फोर हमारे पास है कि हमारे पास जो इसमें दो कोऑर्डिनेटर होंगे कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई के प्लेन पर वो होंगे ये, एक होगा म्यू माइनस सिग्मा, दूसरा होगा प्लस सिग्मा, ठीक है। और जो कि यहाँ पर देखें हमारे पास वही जो डेंसिटी फंक्शन था उसी की तरह ही लिखा हुआ है और ये भी वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इसको थ्रू समझें तो ऊपर क्या था, एक तरफ माइनस होगा यानी जो लेफ्ट साइड होगी वहाँ पर म्यू माइनस सिग्मा और जो राइट साइड होगी म्यू प्लस सिग्मा। देन हमारे पास है द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्या होगा कि अब ये कोर टॉपिक आ गया स्टैंडर्ड, उसकी हमने क्या कर ली प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। अब देखते हैं कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज़ ज़ीरो, जिसका मीन ज़ीरो और डिस्ट्रीब्यूशन वन हो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। या आपने अच्छे से जो है इसकी डेफिनेशन ऑब्जेक्ट में पूछ सकते हैं तो आपने याद रखनी है, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पर है, ये कंप्यूट क्यों किए जाते हैं, कंप्यूट करने के लिए एरियाज़ को कंप्यूट करने के लिए अंडर नॉर्मल कर्व ये डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होती है। यहाँ पर एक हमारे पास एरिया टेबल है, ये आपको याद नहीं करना, इसको देख के परेशान ना होइएगा, ये अगर आपको इसके हवाले से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपको जो 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 पार्ट चाहिए होगा उसकी वैल्यू ऑलरेडी जी की बता देंगे, ठीक है। अगर नहीं भी बताते तो वो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे आपको इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये याद नहीं करना पड़ता, ठीक है, ये एरिया टेबल कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ये एक छोटा सा पॉइंट था ये पढ़ लेते हैं। जहाँ पर हमने क्या करना होता है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करना होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये कि z इक्वल होता है x माइनस, ये x है ये म्यू नहीं है हमारे पास ना, ये हमारे पास जो है मीन कंसिडर किया जाएगा, मीन ये होगा माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब हम यहाँ पर नीचे मूव करते हैं, जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि एक तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा एक तरफ हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जांपल में आपको क्या दिया हुआ है कि जो मीन है क्या है वो 3.5 ईयर्स है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे पास वन है, वन ईयर की है, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, द फ्रैक्शन ऑफ द स्केल विल बी रिक्वायर रिप्लेसमेंट। अब इस तरह की एग्जांपल नहीं आएंगी, डायरेक्ट आपको कर दिया कह दिया जाएगा कि बाय द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। इंशाल्लाह हम एक प्रिपरेशन वीडियो भी बनाएंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। अब देखें अगर हमारे पास अभी आपको पता है म्यू क्या है 3.5, मैंने आपको कहा कि म्यू हमेशा हमारे पास मिडल में होगा इसलिए हमने ये लिख दिया। अब स्टैंडर्ड जो डेविएशन जो थी वो पॉजिटिव थी, ठीक है, जो पॉजिटिव थी तो वो हमने जो है जो अपने लेफ्ट साइड है उस पर लिखी रख दी, ठीक है। उसके बाद है इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया, अगर हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं सो हाउ कैन वी फाइंड द एरिया, फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द जी वैल्यू ऑफ जी।
अब वैल्यू ऑफ जी कैसे डिटरमाइन करनी है, आपको पता है इसका फॉर्मूला है, म्यू पता है, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें पता है। अब हमें एक्स की वैल्यू तो पता ही नहीं है। अगर आपको पता हो कि जो एक्स की वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट करते हैं वारंटी को, और जो टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है वारंटी का वो भी हमारे पास 1.0 है, तो इनको माइनस किया और डिवाइड कर दिया इससे, तो हमारे पास आ गया -2.5 जी की वैल्यू। अब इसको हमने लिखना कैसे है, जी की वैल्यू की है तो इसको हमने राइट कैसे करना है, इसको इस तरह से राइट करना है, लेकिन ये भी प्रॉपर वे नहीं है, अभी आपको मैं नीचे बताती हूँ कि इसका क्या प्रॉपर वे है। सबसे पहले तो अब यहाँ पर एरिया टेबल यूज होगा, क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है ना, ये पूरा एरिया हमें मालूम करना है। अब ये 0.4943 कैसे आ गया, आपने चेक करना है अपने एरिया टेबल में कि जो भी हमारे पास 2.5 है, माइनस वाले वो भी नहीं देखते, क्योंकि एरिया हमारा जो एरिया टेबल है वो माइनस की वैल्यूज लेता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि हमारी जो जी की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, ठीक है, तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, हमारे पास वी की वैल्यू माइनस आई है, तो एरिया टेबल तो माइनस की वैल्यूज लेता नहीं है। हमने पॉजिटिव को कंसिडर करते हुए 2.5 की कॉरस्पॉन्डेंस देखना है, तो देखा कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 0.4938, और साथ में हमारे पास क्या था, 0 और 2.5 था, तो 0 वाले बॉक्स में देखेंगे, उससे नीचे जाएंगे, और साथ में जहां पर हमारे पास 2.5 होगा वो हम कंसिडर कर लेंगे, यहां पर ये वाला हमने कंसिडर कर लिया, तो यही वैल्यू हमने उधर जो है राइट की हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि टोटल इतना एरिया था, मैं आपको बताती हूँ कि टोटल कितना है, ये देखिए एक तरफ अभी उन्होंने बताया कि वो जो प्रॉपर्टी थी कि जो है मीन के इस तरफ राइट साइड पे भी 0.5 एरिया होगा और लेफ्ट साइड पे भी 0.5 एरिया होगा, अगर ये जो 4838 है, ठीक है, उसको इतना इन्होंने कवर कर लिया इसे, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम तो वैल्यू चाहते हैं 2.5 की, हम ये वाला पार्ट चाहते हैं, हमें तो उससे किसी पार्ट से कोई गर्ज है ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना है, नेक्स्ट में हमने क्या करना है, जो हमें हमारे पास ये एरिया आया है, ठीक है, इसको माइनस कर देना है 0.5 से। क्यों भला, टोटल देखें आप खुद ही इस डिस्ट्रीब्यूशन में देख सकते हैं कि टोटल कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है 0.5, ये पूरी एक हाफ साइड है, ये ग्रीन और ये सारी, ठीक है। तो हम अगर इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं इस पार्ट की जस्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल, आपको पता है कि जो चीज़ आ चुकी है उसको माइनस कर देंगे टोटल से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब माइनस कर दिया तो ये चीज़ जो है बच्चे जो बच जाएगा वो ये चीज़ होगा, तो वो हमने जब इनको माइनस किया तो 0.0062 आ गया, ठीक है। और इस तरह हमने ये यहाँ पर इस पोर्शन पे ये लिख दिया 0.0062। नेक्स्ट अगर हम नेगेटिव लेते हैं, अब क्योंकि वैल्यू नेगेटिव थी तो इसको हम उल्टा कर नेगेटिव वाली साइड पर लिख देंगे, ठीक है। ये बस आपको यही कंसिडर करना है कि जी की जो है स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला क्या है और जी की वैल्यू फाइंड हम कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी की तरह ही है, एग्जांपल मैं भी स्किप करवा रही हूँ, आपको खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपसे नहीं सॉल्व होती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हम जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा चुके हैं, ये उसका फॉर्मूला होता है। अब इस केस में क्या होगा कि ये आपने याद रखना है कि एन ये जो होता है क्यू प्लस पी वो इक्वल होता है 1 के, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी जो है प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, एक सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी और एक हमारे पास फेलियर प्रोबेबिलिटी होती है। तो आपको पता है जब हम सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर जाते हैं तो वो 1 के इक्वल आता है, ठीक है। अब इस केस में आपने जो है क्या करना है, ये देखना है कि जो एन पी है, यानी n और p का जो प्रोडक्ट है वो जो है 5 से कम होना चाहिए, और n और q का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 5 से होना चाहिए बड़ा, ठीक है। अब देखते हैं इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको कि आपको कह रहे हैं कि जो एक कंट्री है उसमें रिकॉर्ड किया गया है कि जो है प्रोविंस है उसमें 20% लोग हैं जो मलेरिया से क्या होंगे, डेथ रेट है 20%। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पार्टिकुलर विलेज की कि नंबर ऑफ डेथ जो हैं वो 70 एंड 80 हैं आउट ऑफ इतने पेशेंट से। अब ये आउट ऑफ कितना है, ये क्या है, टोटल नंबर है, तो एन हमारे पास कितना हो गया, एन हमारे पास 500 हो गया, एन तो बड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। एक प्रोबेबिलिटी जो हमें पहले दी हुई है कि कितने लोग मरे, ठीक है, हमारा तो यही जो है टारगेट है, तो वो हमारे पास पी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमारे पास जो एन पी होगा वो बड़ा होना चाहिए 5 से, तो यहाँ पर हमने एन और पी को मल्टीप्लाई किया तो ये 100 आ गया, ये हमसे हमारे से 5 से बड़ा था। एन और क्यू को किया तो ये हमारे पास ये भी बड़ा आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, सिंपल आपने क्या करना है कि म्यू की वैल्यू फाइंड कर दें, वेरियंस की वैल्यू फाइंड कर दें, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड करने के बाद जस्ट आपने ये वाली वैल्यूज फाइंड करनी, यहाँ पर डिटेल में नहीं लिखा हुआ, जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं ये एक और वे है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन,
अगर इसको हम जो है इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मिक्सअप कर दें तो इट विल बी लाइक दैट, ये देखिए सिंपल वो कर्व जो है ऊपर बन जाएगी और ये जो लाइंस हैं वर्टिकल ये ऐसे ही उसके ऊपर रहेंगी, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर 30 कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वही मैंने आपसे डिस्कस की, क्या क्या इंपॉर्टेंट था, जी की वैल्यू, जी का फॉर्मूला, जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरिया टेबल, उसके बाद जो है हमारे पास था ये वाली एग्जांपल आपने खुद करनी है और हमने एग्जांपल ये वाली की, इस तरह की एग्जांपल नहीं आएंगी। और ये भी बताना है कि अगर हम जो है हमारा नेगेटिव आ जाए तो वो उसका पोर्शन कितना जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लाई करेगा, या पॉजिटिव कोई भी वैली आएगी तो वो कितना पोर्शन उसके अंदर लाई करेगा। और साथ में हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के छोटे छोटे जो है पढ़े फॉर्मूलाज और हमने पढ़ी कुछ प्रॉपर्टीज़, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं लेक्चर नंबर 30 में। उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लेक्चर नंबर 31 कवर करेंगे और हमारी सारी डिस्कशन अभी कुछ आने वाले टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन पर भी होगी। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में लेक्चर नंबर 30 करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद मास्टर फॉर सच वीडियोज़।